द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, नई अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त आमदनी का अस्थायी स्रोत कैसे बनाएं, बर्क हेसेज, अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर dreambiz.com के लेखक। आप भी मिलेनियर बन सकते हैं प्रिय पाठक। 100 साल पहले आम आदमी का मिलेनियर बनना लगभग असंभव था। 20वीं सदी के मोड़ पर जीवन शैली के इन आंकड़ों पर नजर डालें। 1900 में अमेरिका में औसत वेतन 22 सेंट प्रति घंटे था। आम कर्मचारी हर साल 200 से 400 डॉलर के बीच कमाता था, यानी गरीबी रेखा से काफ़ी कम। सिर्फ 6% अमेरिकी हाई स्कूल पास थे। औसत जीवन काल 47 साल था। सिर्फ 14% घरों में बाथटब था। अमेरिका में कुल 8000 कारें थीं और केवल 144 मील पक्की सड़कें थीं। प्रथम विश्व युद्ध तक औसत अमेरिकी परिवार अपनी 80% आमदनी रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी आवश्यकताओं पर खर्च करता था। सारांश में कहें तो 100 साल पहले बुनियादी तौर पर दो ही आर्थिक वर्ग थे, अमीर और बाकी लोग। 10% परिवारों में से केवल एक ही उच्च वर्गीय या मध्य वर्गीय था। इसका मतलब है कि सन 1900 में अमेरिका में 90% लोग गरीब की श्रेणी में आते थे। मध्य वर्ग अब भी वेतन से वेतन तक नहीं जा रहा था। 100 साल आगे बढ़कर 2001 तक आए। आज मीडियन परिवार आय 47,000 डॉलर है। अमेरिका में जितने लोग हैं उससे ज़्यादा कारें हैं। ज़्यादातर परिवारों के पास कम से कम 2 टीवी हैं। औसत जीवन काल 75 साल है। आज हम लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल यानी ज़रूरत से ज़्यादा आय है, ज़्यादा खाली समय है और करियर के पहले से ज़्यादा विकल्प हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के 72 मिलियन परिवारों में से ज़्यादातर एक मासिक वेतन से दूसरे मासिक वेतन तक जी रहे हैं। पारिवारिक घर, कारों और फर्नीचर को हटा दें तो औसत परिवार के पास कोई संपत्ति नहीं है, शून्य संपत्ति। हालांकि पारिवारिक आमदनी बढ़ी है, लेकिन पारिवारिक कर्ज और काम के घंटे भी बढ़ गए हैं। इस तस्वीर में क्या गलत या क्या गड़बड़ है? क्या आप गलत सिस्टम में काम कर रहे हैं? इसमें गड़बड़ यह है कि बहुत सारे लोग गलत योजना पर चल रहे हैं। वे गलत सिस्टम से जुड़ गए हैं और उनके पास इस बात की बुनियादी समझ नहीं है कि दौलत कैसे बनाई और जोड़ी जाती है। मैं एक साहसिक कथन कहने जा रहा हूँ जिससे आपको सदमा लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह 16 आने सच है। सुनने के लिए तैयार हैं? लाग लपेट के बिना सीधे सीधे कहता हूँ, हकीकत यह है कि आज मिलेनियर बनना संयोग का नहीं, चयन का मामला है। आपने सही सुना, आज मध्यवर्गीय आय कमाने वाला हर व्यक्ति मिलेनियर बन सकता है? असंभव, कतई नहीं। दरअसल यह काफ़ी आसान है। आज अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं तो आपको बस ये 3 कदम उठाने की ज़रूरत है। पहला, यह समझें कि दौलत कैसे बनाई और जोड़ी जाती है। दूसरा, दौलत बनाने के आजमाए हुए सिस्टम की नकल करें। तीसरा, यह काम निरंतर करते रहें। बस यही, सिर्फ ये 3 कदम उठाकर ही आम लोग 1 मिलेनियर डॉलर की संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं और मिलेनियर बन सकते हैं। समझना, नकल करना और निरंतरता। आप इस पुस्तक से क्या सीखेंगे? इस पुस्तक से आप आजमाई हुई रणनीतियाँ सीखेंगे। इन रणनीतियों का इस्तेमाल करके आम लोग अपने आप, अपने तथा अपने परिवार के लिए सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। इन रणनीतियों पर अमल करना आसान है। ये समय के इम्तिहान में भी खरी उतरी है और इनकी बदौलत पिछले 50 सालों में लाखों लोग मिलेनियर बने हैं। दोस्तों, मिलेनियर बनना अब खुशकिस्मती पर निर्भर नहीं करता, यह तो सिर्फ सीखने और दौलत बनाने की आजमाई हुई रणनीतियों के अनुसरण पर निर्भर करता है। बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर के अनुसार बहुसंख्यक मिलेनियर रॉकेफेलर या वैंडरबिल्ट्स के वंशज नहीं हैं। 80% से ज़्यादा मिलेनियर सामान्य लोग हैं जिन्होंने अपनी दौलत एक ही पीढ़ी में इकट्ठी की है। इस बारे में सोचें, 80% से ज़्यादा मिलेनियर सामान्य लोग हैं। यह आंकड़ा मेरी कही हुई
बात को साबित करता है। आज मिलेनियर बनना संयोग का नहीं चयन का मामला है। इस पुस्तक का लक्ष्य आपको वे रणनीतियाँ सिखाना है जिनका इस्तेमाल करके दौलतमंद लोगों ने दौलत बनाई और इकट्ठी की है। पहले इन रणनीतियों का इस्तेमाल केवल विशेषाधिकार वाले चंद लोग ही कर सकते थे। अगर आपको सन 1900 में ये रणनीतियाँ पता भी होती तो भी आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उनका लाभ लेने के लिए आपके पास संभवतः नगद पैसे या उचित संपर्क नहीं होते। आज वह बात नहीं है, आज स्थिति बदल चुकी है। आज बेहतर प्रौद्योगिकी की बदौलत, मध्यवर्गीय वेतन बढ़ने की बदौलत और ई कंपाउंडिंग यानी ई चक्रवृद्धि नामक नवाचारी बिजनेस मॉडल की बदौलत हाई स्कूल या उससे ज़्यादा की शिक्षा वाला लगभग कोई भी मध्यवर्गीय व्यक्ति अपने धन, समय और संबंधों की लिवरेजिंग करके व्यक्तिगत व वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। इस पुस्तक में बताई रणनीतियों का अनुसरण करके आप भी मिलेनियर बन सकते हैं। मिलेनियर क्लब में आपका स्वागत है। भवदीय बर्क हेसेज, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। हर उस व्यक्ति को जिसके पास पाइपलाइन बनाने की बुद्धिमत्ता है और यह ज्ञान दूसरों को देने की इच्छा है। आभार। जब मैं डॉक्टर स्टीव प्राइस के बारे में सोचता हूँ तो अनुशासन, संकल्प, एकाग्रता और धैर्य वे शब्द हैं जो दिमाग में आते हैं। वे इन पांडुलिपि की सफल पूर्णता की रीढ़ थे। स्टीव आप बेहद गुणी हैं और किसी प्रोजेक्ट को शुरू से अंत तक पूरा देखने के लिए समर्पित भी हैं। मैं आपकी कोटि कोटि प्रशंसा करता हूं और मेरी निगाह में आप अनमोल साझेदार हैं। मैं INTI पब्लिशिंग की अध्यक्ष कैथरीन ग्लोवर का सदैव ऋणी कृतज्ञ हूं। कैथरीन असाधारण लीडर हैं। इस पुस्तक के सृजन और विकास के दौरान उनका विवरणों पर ध्यान व राय अमूल्य थे। मैं आसानी से पढ़ने वाला लेआउट तैयार करने वाले डोना मारिसन के असाधारण काम के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। डोना, आपके साथ काम करना हमेशा आनंददायक होता है। लीज चेरी और उनकी सृजनात्मक टीम को अद्भुत कवर डिज़ाइन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेरी डिज़ाइन ने अतिरिक्त आय की जबरदस्त शक्ति संप्रेषित करने में छक्का मारा है। टीम INTI के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद दिए बिना यह आभार पूरा नहीं होगा। सैंडी लारेंजन INIT के कामकाज को किसी स्विस घड़ी की तरह चलाती है। डी गैरेंड ने उद्योग की 5 सबसे अच्छी वेबसाइट बनाई है तथा उनका प्रबंध करते हैं। सिंडी हाज न सिर्फ वेयरहाउस को कार्यकुशलता से चलाती हैं बल्कि यह काम हमेशा मुस्कुरा कर करती हैं। CFO ज्वेल पैरोगो कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं और अकाउंटिंग की उस्ताद भी। ज्वेल, हम आपके बिना क्या करेंगे। अंत में मैं अपने पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी किशोरावस्था में इस बात पर जोर दिया था कि जीवन में पाइपलाइनें बनाना जरूरी है क्योंकि पाइपलाइनें ही जीवन की डोर होती हैं। डैडी, आपके धैर्य और शाश्वत बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद। बर्क हेसेज की डेस्क से, आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। मेरे पिताजी 25 साल पहले गुजर गए थे लेकिन आज भी मुझे उनके साथ शाम को खेले गए शतरंज के मैच इतनी अच्छी तरह याद है मानो वे कल की ही बात हो। मुझे याद है कि इक्वाडोर के तट पर हमारे बीच हाउस के बरामदे में प्रशांत महासागर का नज़ारा दिखता था और मैं वहां शतरंज की बिसात बिछाने में पिताजी की मदद करता था। मुझे याद है कि मैं सफ़ेद बालुई तट पर लहरों को बिखेरते देखता था। मुझे याद है कि नमकीन पानी की धुंध पर गुड़हल की खुशबू तैरती रहती थी। मुझे याद है कि मैं नरम पीले सूरज को भूरे क्षितिज के नीचे डूबते देखता था। हम अंधेरा होने तक शतरंज खेलते थे, पिताजी बोलते थे, मैं सुनता था। मुझे याद है क्षितिज को निहारते वक्त उन्होंने कई बार यह वाक्य बोला था, कभी किसी चीज़ को अस्थाई मानकर न चले। एक ही दिन में राजा से रंक, कभी किसी चीज़ को अस्थाई मानकर न चलें। पिताजी 1959 का जिक्र कर रहे थे जब कास्त्रो ने क्यूबा पर कब्जा किया था। इस क्रांति से पहले पिताजी क्यूबा के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। टाइम पत्रिका के एक लेख के अनुसार पिताजी की नेटवर्थ $20 मिलियन से ज़्यादा थी जो आज के डॉलरों से
डॉलरों में कम से कम 200 मिलियन डॉलर होगी। वे 12 अलग अलग व्यवसायों के मालिक थे, जिनमें कपास की मिल, रिटेल स्टोर, टेक्सटाइल मिल, रसायन बनाने वाला कारखाना और कमर्शियल रियल इस्टेट शामिल थे। जब कास्त्रो ने सत्ता हथिया ली तो मेरे पिता माता पिता खाली हाथ कोरे कपड़ों में भाग कर जमैका पहुंचे। कास्त्रो ने पिताजी के व्यवसाय और बैंक खातों को जब्त कर लिया। साम्यवादियों का कहना था कि यह लोगों के खिलाफ अपराध की सजा है। पिताजी का एकमात्र अपराध यह था कि वे सफल थे और फिर उस सफलता को अस्थायी मानकर चले थे। अतीत को देखने पर यह स्पष्ट नजर आता है कि उन्हें अपनी कुछ संपत्तियां देश के बाहर पहुंचा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वे यह मानकर चल रहे थे कि कास्त्रो कभी सरकार नहीं गिरा पाएंगे। पिताजी का अंदाजा गलत निकला और उन्हें अपनी दौलत गंवा कर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। पाइपलाइनों की चेतावनी। पिताजी ने दोबारा दौलत बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुरी अर्थव्यवस्था और रोगी हृदय ने उनकी वापसी नहीं होने दी। अपने अंतिम दिनों में वे कटु नहीं थे, वे तो बस निराश थे कि उनका समय खत्म हो गया था। शतरंज खेलते समय पिताजी ने मुझे वे मुख्य सिद्धांत सिखाने की पूरी कोशिश की, जिनकी बदौलत वे 50 सालों से भी कम उम्र में दौलतमंद बन सके थे। पिताजी अक्सर अपने खुद के व्यवसायों के मालिक बनने के महत्व पर उपदेश देते थे। स्वामित्व का मतलब है स्वतंत्रता और नियंत्रण। पिताजी मानते थे कि आपके पास जितने ज़्यादा व्यवसाय होते हैं उतना ही अच्छा रहता है। वे कहा करते थे, आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। मैंने पिताजी की नसीहत को दिल में उतार लिया। मैंने अपना पहला व्यवसाय 25 साल की उम्र में शुरू कर दिया। आज मैं तीव्र विकास करने वाले कई व्यवसायियों का मालिक हूँ। विडम्बना देखें, मेरी एक कंपनी इक्विबोर पाइपलाइन व्यवसाय में है। सचमुच इक्विबोर जमीन के नीचे पाइप बिछाती है। इन पाइपों का इस्तेमाल पुरानी अर्थव्यवस्था की यूटिलिटी कंपनियां गैस और पानी की पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए करती हैं। नई अर्थव्यवस्था की टेलीकॉम कंपनियां इन पाइपों का इस्तेमाल अपने फाइबर ऑप्टिक्स केबलों के लिए करती हैं, जो भविष्य की पाइपलाइनें हैं। उनके अमीर डैडी। पिताजी विविधता में बहुत विश्वास करते थे, इसलिए उनके 12 अलग अलग तरह के व्यवसाय थे। अगर आपके पास सिर्फ एक ही पाइपलाइन है तो आपके पास जीवन की एक ही डोर है, वे शतरंज में मेरे मोहरे को पीटते हुए कहते थे। आपके पास जितनी ज़्यादा पाइपलाइन है उतना ही बेहतर है। कुछ महीने पहले मैंने रॉबर्ट कियोसाकी का एक ऑडियो टेप देखा, व्हाट माय रिच डैड टॉट मी अबाउट इन्वेस्टिंग। इसमें कियोसाकी ने दो युवकों की छोटी सी कहानी बताई है। इन युवकों को 1 मील दूर की झील से उनके गांव तक पानी पहुंचाने की नौकरी मिली। पानी ले जाने के लिए एक युवक ने बाल्टियों का इस्तेमाल किया, दूसरे युवक ने पाइपलाइन बना ली। लंबे समय में पाइपलाइन बनाने वाला युवक बाल्टी ढोने वाले युवक से ज़्यादा सफल हुआ। कियोसाकी का ऑडियो सुनकर मुझे वे सबक याद आ गए जो पिताजी ने मुझे 25 साल पहले सिखाए थे। उस शाम घर पहुंचकर मैंने एक नई पुस्तक के लिए 10 पेज के नोट्स लिख डाले। इसमें मैंने पाइपलाइन को जीवन की डोर बताकर पाठकों से आग्रह किया था कि वे अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों पाइपलाइनें बनाएं, ताकि उनकी आमदनी की नदियाँ अलग अलग जगहों से आए। मैंने इस पुस्तक का शीर्षक रखा द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। 3 महीने बाद मैंने प्रकाशक को उस पुस्तक की पांडुलिपि थमा दी, जिसे आप अपने हाथों में थामे हुए हैं। अपनी खुद की पाइपलाइनें बनाना। इतने वर्षों में मैंने पिताजी की सलाह पर चलकर कई लाभदायी पाइपलाइनें बनाई हैं। उनकी तरह मैं 12 व्यवसायों का मालिक नहीं हूं, नहीं उनकी तरह मेरी नेटवर्थ अब तक 20 मिलियन डॉलर हुई है, लेकिन मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ। पाइपलाइनें लोगों की जेब में पैसे पहुँचाकर उनके जीवन में चिंता को दूर करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन सबसे बढ़कर पाइपलाइनें इसलिए बनाई गई हैं ताकि लोगों को व्यक्तिगत और वित्तीय स्वतंत्रता तथा आजीवन सुरक्षा मिल सके। संक्षेप में, पाइपलाइनें जीवन की डोर हैं। एक तानाशाह ने मेरे पिता के जीवन की डोरों को छीन लिया था और वे इससे कभी नहीं उबर पाए। अमेरिका में लोगों को वरदान मिला है, हमारे जीवन की डोर कभी कोई तानाशाह नहीं छीन सकता। सिर्फ हम ही खुद से जीवन की डोर छीन सकते हैं। कैसे? उन्हें बनाने के कदम नहीं उठाकर। मेरे पिताजी के जीवन से सबक लें।
यह मानकर न चलें कि आने वाला कल भी आज जैसा ही होगा, क्योंकि यह नहीं होगा। एकमात्र सुरक्षा पाइपलाइन की सुरक्षा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आज ही अपनी पाइपलाइनें बनाना शुरू कर दें, ताकि आने वाले कल में आपके पास आपके जीवन की डोर रहे। प्रस्तावना 1801 मध्य इटली की घाटी। यह सन 1801 की बात है। इटली के एक छोटे से गांव में पाब्लो और ब्रूनो नाम के दो महत्वाकांक्षी युवक कजिन अगल बगल में रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे और बड़े सपने देखते थे। वे लगातार बातें करते थे कि किसी दिन किसी न किसी तरह वे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वे दोनों ही प्रतिभाशाली भी थे और मेहनती भी। उन्हें तो बस एक अवसर की जरूरत थी। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल गया। गांव वालों ने दो आदमियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया, जो नजदीक की नदी से पानी लाकर शहर के चौक के हौज में डालें। यह नौकरी पाब्लो और ब्रूनो को मिल गई। दोनों ने एक एक बाल्टी पकड़ी और नदी की तरफ चल दिए। शाम तक उन्होंने शहर के हौज को लबालब भर दिया था। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी की हर बाल्टी के लिए एक एक पेनी का भुगतान किया। हमारा सपना सच हो गया, ब्रूनो चिल्लाया। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पाब्लो को इतना यकीन नहीं था। भारी बाल्टियां ढोने की वजह से उनकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। अगली सुबह फिर उन्हें ढोने की बात सोचकर ही उसे दस्त हो रही थी। उसने संकल्प लिया कि वह नदी से गांव तक पानी लाने का कोई ज़्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। पाब्लो बना पाइपलाइन पुरुष। जब वे दोनों अगली सुबह अपनी अपनी बाल्टियां उठाकर नदी की तरफ जाने लगे, तो पाब्लो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। चंद सिक्कों के बदले में दिन भर बाल्टियां ढोने के बजाय क्यों न हम नदी से गांव तक पाइपलाइन बना लें। ब्रूनो चलते चलते एक कदम रुक गया। पाइपलाइन? ऐसा किसने सुना है? ब्रूनो चिल्लाया, पाब्लो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियां उठा सकता हूँ। एक बाल्टी के बदले एक पेनी मिलती है, यानी दिन भर में $1, यानी मैं धन्ना सेठ हूँ। सप्ताह भर में मैं जूतों की नई जोड़ी खरीद सकता हूँ, महीने भर में गाय खरीद सकता हूँ, 6 महीनों में मैं एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास इस शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो, हमें वीकेंड में छुट्टी मिलती है और हर साल 2 सप्ताह की सवैतनिक वैकेशन भी मिलती है। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा और दिन के बाकी आधे हिस्से तथा वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। पाब्लो जानता था कि पथरीली जमीन में नाली खोदने में बहुत मेहनत लगेगी। चूंकि उसे ढोई गई बाल्टियों की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था, इसलिए वह जानता था कि उसकी आमदनी पहले पहल कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से अच्छा मुनाफा होने में 1 या 2 साल लग जाएंगे। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। पाइपलाइन की प्रगति। ब्रूनो और बाकी गाँव वाले पाब्लो की हंसी उड़ाने लगे। वे उसे मजाक में पाब्लो पाइपलाइन पुरुष कहते थे। ब्रूनो पाब्लो से दोगुना काम कर रहा था, इसलिए वह लगभग दोगुने पैसे भी कमा रहा था। वह अपनी नई खरीदी चीज़ों की शान झाड़ता रहा था। उसने चमड़े की नई काठी वाला एक गधा खरीद लिया, जो उसकी नई 2 मंजिला झोपड़ी के बाहर खड़ा रहता था। उसने नए कपड़े खरीदे। वह सराय में लजीज भोजन करने लगा। गांव वाले उसे मिस्टर ब्रूनो कहते थे और जब वह शराब खाने मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ से एक गिलास शराब पिलाता था, तो वे सभी उसकी तारीफों के पुल बांधते थे और उसके मजाक पर जमकर हंसते थे। छोटे काम यानी बड़े परिणाम। जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार झूले में लेटा रहता था, तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। काम मुश्किल था, ब्रूनो के काम से भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि पाब्लो शाम को और वीकेंड में भी
काम कर रहा था, लेकिन पाब्लो खुद को बार बार याद दिलाता रहा है कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता रहा, एक बार में एक इंच, एक एक इंच करके यह बहुत आसान है। पथरीली जमीन पर कुदाली चलाते समय वह खुद को बोलता रहा, इंच एक फुट में बदल गए, फिर 10 फुट, फिर 20 फुट, फिर 100। अल्पकालीन कष्ट का मतलब है दीर्घकालीन लाभ। वह खुद को याद दिलाता था, जब वह दिन भर के काम के बाद थका मादा अपनी सामान्य झोपड़ी में घुसता था, वह अपनी सफलता को मापने के लिए हर दिन के लक्ष्य तय करता था और देखता था कि वे पूरे हुए हैं या नहीं। वह यह बात जानता था कि आगे चलकर उसे अपने प्रयासों की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिलेंगे। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो, उसने बार बार दोहराया। जब वह गांव के शराबखाने से आती हंसी की आवाज़ें सुनते हुए सो गया। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखें, निचले वाला पलड़ा ऊपर पहुंच जाता है। दिन महीनों बदल गए। एक दिन पाब्लो को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी पाइपलाइन आधी पूरी हो गई थी। इसका मतलब यह था कि उसे अपनी बाल्टियां भरने के लिए अब सिर्फ आधी दूर तक ही पैदल चलना होगा। बचने वाले समय को भी पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम करने में लगा दिए। पाइपलाइन पूरी होने की तारीख तेजी से और ज़्यादा तेजी से करीब आ रही थी। पाइपलाइन बनाने के बीच आराम करते समय पाब्लो अपने पुराने दोस्त ब्रूनो को बाल्टियां ले जाते देखता था। ब्रूनो के कंधे अब काफ़ी झुक गए थे, वह दर्द में झुका हुआ था और हर दिन हमाली करने की वजह से उसकी चाल धीमी हो गई थी। अब ब्रूनो नाराज और खिन्न था। वह इस बात से चिढ़ रहा था कि वह हर दिन बाल्टियां ढोने के लिए अभी सख्त है जिंदगी भर। अब वो अपने जालीदार झूले में कम समय बिताता था और शराब खाने में ज़्यादा समय बिताता था। शराब खाने के लोग ब्रूनो को आते देखकर फुसफुसाते थे, लो ब्रूनो बाल्टी वाला आ गया। फिर जब शहर का अव्वल शराबी ब्रूनो की झुकी हुई मुद्रा और पैर घसीटकर चलने वाली चाल की नकल करता था तो सभी लोग खिखी करने लगते थे। अब ब्रूनो सबको अपनी तरफ से एक गिलास शराब नहीं पिलाता था, नहीं वह चुटकुले सुनाता था। अब तो वह खाली बोतलों से भरे अंधेरे कोने में अकेले बैठना पसंद करता था। आखिरकार पाब्लो का बड़ा दिन आ गया। पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव वालों ने आसपास भीड़ लगा ली। जब पानी पाइपलाइन से बहता हुआ गांव के हौज में आ गया, अब गांव के पास ताजे पानी की अस्थायी आपूर्ति हो चुकी थी, इसलिए आसपास के इलाके के लोग उस गाँव में आकर बसने लगे और इसका विकास हुआ तथा यह समृद्ध हुआ। एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाब्लो को बाल्टियां ढोकर पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। पानी बहता रहता था, चाहे वह काम करे या न करे। यह तब भी बहता रहता था जब वह खाना खाता था, यह तब भी बहता रहता था जब वह सोता था, यह वीकेंड पर भी बहता रहता था जब वह खेलता था। गांव में जितना ज़्यादा पानी बहकर आता था उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर पाब्लो की जेब में आ जाता था। पाइपलाइन वाला पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से मशहूर हो गया। नेताओं ने उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा की और उससे मेयर का चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन पाब्लो समझता था कि उसने जो किया था वह चमत्कार नहीं था, यह तो एक बड़े बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण था। देखिए, पाब्लो के पास ऐसी योजनाएँ थी जो उसके गांव से बहुत बहुत आगे तक जाती थी। पाब्लो की योजना पूरे संसार में पाइपलाइनें बनाने की थी, मदद के लिए अपने मित्र को नियुक्त करना। पाइपलाइन आने की वजह से ब्रूनो बाल्टी वाले का काम ठप हो गया। पाब्लो को दुख होता था जब वो अपने पुराने दोस्त को शराब खाने में मुक्त शराब के लिए भीख मांगते देखता था, इसलिए पाब्लो ने ब्रूनो के साथ एक मुलाकात तय की। ब्रूनो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। ब्रूनो ने अपने झुके हुए कंधे सीधे किए और उसकी काली आँखें सिकुड़ गईं। उसने फुफकारते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। पाब्लो ने कहा, मैं यहाँ सान झाड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें एक बेहतरीन कारोबारी अवसर देने आया हूँ। मेरी पहली पाइपलाइन पूरी करने में मुझे 2 साल से ज़्यादा लग गए, लेकिन इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जानता हूँ कि किन औजारों का इस्तेमाल करना है, कहाँ खोदना है, कैसे पाइपलाइन बिछानी है। रास्ते में चलते चलते मैंने नोट्स लिए हैं और
एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे मैं एक और पाइपलाइन बना सकता हूँ और फिर एक और एक और। मैं अकेला ही एक साल में पाइपलाइन बना सकता हूँ, लेकिन यह मेरे समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं होगा। मेरी योजना यह है कि मैं तुम्हें और दूसरों को यह सिखा दूँ कि पाइपलाइन कैसे बनानी है, और इसके बाद तुम दूसरों को सिखाना, और हम में से हर व्यक्ति दूसरों को सिखाएगा जब तक कि इस इलाके के हर गांव में पाइपलाइन न पहुंच जाए, फिर देश के हर गांव में एक पाइपलाइन न पहुंच जाए, और अंततः पूरे संसार के हर गांव में एक पाइपलाइन न पहुंच जाए। ज़रा सोचो, पाब्लो ने आगे कहा, हम उन पाइपलाइनों से गुजरने वाले 1 गैलन पानी के बदले में थोड़े पैसे ले सकते हैं। पाइपलाइनों से जितना ज़्यादा पानी बहेगा हमारी जेब में भी उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर आ जाएगा। मैंने जो पाइपलाइन बनाई है वह सपने का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। ब्रूनो को आखिरकार बड़ी तस्वीर दिख गई। वह मुस्कुराया और उसने अपना सख्त हाथ अपने पुराने दोस्त की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने हाथ मिलाया और फिर पुराने बिछड़े दोस्त की तरह गले मिल गए। बाल्टी ढोने वाले संसार में पाइपलाइन के सपने। वर्षों गुजर गए। पाब्लो और ब्रूनो काफी पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका विश्वव्यापी पाइपलाइन व्यवसाय अभी उनके बैंक खातों में हर साल करोड़ों डॉलर बहाकर लाता है। कई बार तो देहात में यात्रा करते वक्त पाब्लो और ब्रूनो पानी की बाल्टियां ढोने वाले युवक के पास से गुजरते थे। यह देखकर बचपन के दोस्त रुक जाते थे। वे युवकों को अपनी कहानी बताते थे और उनकी खातिर पाइपलाइन बनाने में उनकी मदद करने का प्रस्ताव रखते थे। कुछ लोग उनकी बात सुनते थे और पाइपलाइन व्यवसाय शुरू करने के अवसर पर उछल पड़ते थे, लेकिन दुखद बात यह है कि ज़्यादातर बाल्टी ढोने वाले जल्द ही पाइपलाइन के विचार को खारिज कर देते थे। पाब्लो और ब्रूनो बार बार एक जैसे बहाने सुनते थे, मेरे पास समय नहीं है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वह एक दोस्त के दोस्त को जानता है जिसने पाइपलाइन बनाने की कोशिश की थी और नाकाम रहा था। जो लोग जल्दी अंदर जाते हैं सिर्फ वही पाइपलाइनों से पैसे कमा पाते हैं। मैंने जिंदगी भर बाल्टियाँ ढोई है, मैं तो जो जानता हूँ वही करता रहूँगा। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका पैसा पाइपलाइन घोटाले में डूब गया था, मैं तो यह हरगिज नहीं करूँगा। इतने सारे लोगों में भविष्य दृष्टि का अभाव था, यह देखकर पाब्लो और ब्रूनो दुखी हो जाते थे। लेकिन दोनों दोस्त बाद में इस तथ्य को स्वीकार कर लेते थे कि वे बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं, इसलिए बहुत कम लोग ही पाइपलाइन के सपने देखने की हिम्मत कर सकते हैं। खंड एक, हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। अध्याय एक, आप कौन हैं? बाल्टी ढोने वाले हमाल या पाइपलाइन निर्माता? ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। जब अगली सुबह हुए दोनों अपनी बाल्टी लेकर नदी से पानी लाने के लिए चले तो पाब्लो ने कहा, चंद सिक्कों के बदले में दिन भर बाल्टियां ढोने के बजाय हम नदी से गांव तक पाइपलाइन क्यों न बना लें? ब्रूनो चलते चलते एकदम रुक गया। पाइपलाइन, ऐसा किसने सुना है? ब्रूनो चिल्लाया, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन से। आप कौन है, बाल्टी ढोने वाले हमाल या पाइपलाइन के निर्माता? क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद जाकर काम करते हैं बाल्टी वाले हमाल ब्रूनो की तरह, या फिर आप एक बार काम करते हैं और आपको उसके बदले में बार बार पैसे मिलते हैं पाइपलाइन निर्माता पाब्लो की तरह? अगर आप ज़्यादातर लोगों जैसे हैं तो आप बाल्टी ढोने वाली योजना पर काम कर रहे हैं। मैं इसे समय के बदले पैसे का जाल कहता हूँ। आप समीकरण जानते हैं, 1 घंटे के काम के बदले 1 घंटे का भुगतान, 1 महीने के काम के बदले 1 महीने का भुगतान, 1 साल के काम के बदले 1 साल का भुगतान, जाना पहचाना लगता है। बाल्टी ढोने के साथ समस्या यह है कि जब बाल्टी ढोना बंद हो जाता है तो पैसा आना भी बंद हो जाता है, जिसका मतलब है कि सुरक्षित नौकरी या सपनों की नौकरी सिर्फ एक मुगालता है। बाल्टियाँ ढोने का अंदरूनी खतरा यह है कि आमदनी निरंतर नहीं अस्थायी होती है। अगर ब्रूनो किसी दिन सुबह उठे और उसकी पीठ अकड़ी हुई हो और वह बिस्तर से न उठ पाए
तो वह उस दिन कितने पैसे कमाएगा? शून्य। कोई काम नहीं तो कोई दाम नहीं। यही बाल्टी ढोने वाली हर नौकरी में होता है। एक बार जब बाल्टी ढोने वाले अपनी मेडिकल छुट्टियों और वैकेशन की छुट्टियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर वे बाल्टियाँ नहीं ढोएंगे तो उन्हें वेतन का चेक नहीं मिलेगा। गणित बहुत सरल है, कोई बाल्टी नहीं बराबर कोई भुगतान नहीं। दंत चिकित्सक अब बाल्टियाँ नहीं ढो सकती। यहाँ असल जीवन का एक उदाहरण है। मेरी पुरानी दंत चिकित्सक वह सबसे अच्छी दंत चिकित्सक थी जिसके पास मैं कभी गया था। वह बेहद पेशेवर थी, इलाज का बहुत कुशल तरीका था, बेहतरीन व्यक्तित्व था, बेहतरीन तकनीशियन थी। हर बार इलाज लगभग दर्द रहित होता था। इसके अलावा वह अपने काम से प्यार करती थी और अपने काम के घंटे खुद तय करती थी। उसका क्लिनिक सप्ताह में केवल 3 ही दिन खुलता था ताकि वह अपने परिवार के साथ 4 दिनों का वीकेंड बिता सके। वह जिस काम से प्यार करती थी उसे सप्ताह में 3 दिन करके वह साल भर में $1,00,000 से ज़्यादा कमा लेती थी। यह बाल्टी ढोने वाले हमालों की सपनों की नौकरी थी, बशर्ते ऐसी कोई चीज़ कभी हो सकती हो। एक समस्या, 40 की उम्र से पहले उसे हाथों में गठिया रोग हो गया जिस वजह से वह दंत चिकित्सा नहीं कर सकती थी। आज वह एक स्थानीय यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है और वह दंत चिकित्सक के रूप में जितना कमाती थी उसका सिर्फ 1/3 कमा रही है। इसमें उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन उसके सपनों की नौकरी अब गायब हो गई थी। अब क्या आप समझ सकते हैं कि मैं यह बात क्यों कहता हूँ कि बाल्टी ढोने वाली सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती? क्या आप देख सकते हैं कि बाल्टी ढोने वाले लोग कितने असुरक्षित हैं? समय के बदले पैसे के जाल में समस्या यह है कि अगर आप समय नहीं बेच सकते तो आपको पैसा भी नहीं मिलता है। पाइपलाइन निर्माता पाब्लो ने बाल्टी की सीमाओं को जल्दी ही पहचान लिया था और वह एक ऐसा सिस्टम बनाने निकला जिसकी मदद से उसे पैसे मिलते रहें, चाहे वह आगे चलकर काम में समय लगाए या न लगाए। पाब्लो समझता था कि बाल्टी ढोने के काम में कोई सुरक्षा नहीं है। वह यह बात समझता था कि पाइपलाइन आपके जीवन की डोर है। अगर आप समय नहीं दे पाए तो आपके साथ क्या होगा? आपके बारे में आप क्या करेंगे? अगर आपकी आमदनी कल रुक जाए क्या होगा? अगर आपकी छटनी हो जाए क्या होगा? अगर आप बीमार पड़ जाएं या अपाहिज हो जाएं और बाल्टियां न ढो पाएं क्या होगा? अगर कोई आपातकालीन बीमारी आपकी बचत खा जाए क्या होगा? अगर भविष्य के लिए रखी आपकी जमा पूंजी रातों रात गायब हो जाए? अगर आपकी आमदनी कल रुक जाती है तो आप कितने लंबे समय तक अपने हाउस लोन की किस्त चुका सकते हैं, अपनी कार की किस्त चुका सकते हैं या अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं? 6 महीने, 3 महीने, 3 सप्ताह? यदि विपत्ति हमला करती है तो क्या आपके पास जीवन की वह डोर है जो आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगी, या फिर आप इस मुगालते में जी रहे हैं कि बाल्टी ढोने वाला काम बगैर रुके तब तक चलता रहेगा जब तक आपको आमदनी की ज़रूरत होगी? चाहे आप झाड़ू वाला काम करते हो, कागज कलम वाला काम करते हो या पेशेवर काम करते हो, आप समय की एक इकाई खर्च करके पैसे की एक इकाई प्राप्त कर रहे हैं, इसमें सुरक्षा कहाँ है? पाइपलाइन तब भी पैसे देती है जब आप खेलते हैं। जैसा पाब्लो ने कहा था, कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। सौभाग्य से बेहतर तरीका है, इसे पाइपलाइन आमदनी, निरंतर अतिरिक्त आय कहा जाता है जो हमेशा मिलती रहती है चाहे आप समय दें या न दें। सच्ची सुरक्षा पाने का एकमात्र तरीका वही है जो पाब्लो ने किया था। जब आप बाल्टियाँ ढो रहे हो तभी एक पाइपलाइन बना लें। पाइपलाइनें जीवन की डोर हैं क्योंकि वे लोगों को पैसे की खातिर समय बेचने के जाल से आज़ाद करती हैं। पाइपलाइन बनाते समय आप एक बार काम करते हैं लेकिन उस काम के बदले में आपको बार बार पैसे मिलते रहते हैं। पाइपलाइनों हर समय खुली रहती हैं, यानी 24x7, 365 दिन,
इसका मतलब है कि पाइपलाइनें आपको आपकी जेब में तब भी पैसे डालती हैं जब आप सोए हों, या जब आप खेल रहे हों, या जब आप रिटायर हो चुके हों, या जब आप बीमार हों, अपाहिज हों और काम न कर सकते हों, या आपातकालीन स्थितियों में या अतिरिक्त आमदनी की शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। अध्याय दो, हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। पाब्लो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियां उठा सकता हूँ। एक बाल्टी के बदले एक पेनी मिलती है, यानी दिन भर में $1, यानी मैं धन्ना सेठ हूँ। सप्ताह भर में मैं जूतों की नई जोड़ी खरीद सकता हूँ, महीने भर में गाय खरीद सकता हूँ, 6 महीनों में मैं एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास इस शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो, हमें वीकेंड में छुट्टी मिलती है और हर साल 2 सप्ताह की सवैतनिक वैकेशन भी मिलती है। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन से। एक डॉक्टर अपनी 4 साल की बेटी को डे केयर सेंटर छोड़ने जा रहा था। उसका स्टेथोस्कोप कार की सीट पर पड़ा था। बेटी उसे उठाकर खेलने लगी। डॉक्टर ने मन में सोचा, मेरी बेटी मेरे नक्शे कदम पर चलना चाहती है, यह मेरे जीवन का सबसे गर्वीला पल है। बच्ची ने स्टेथोस्कोप अपनी गर्दन में लपेटा और सेंसर को अपने सामने माइक की तरह पकड़ लिया। मैकडॉनल्ड में आपका स्वागत है, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? यह रोचक कहानी यह बताती है कि हम बाल्टी ढोने वाले कामों की तरफ क्यों झुकते हैं। इसे कहा जाता है, बंदर जो देखते हैं वही करते हैं। छोटी लड़की इतनी ज़्यादा बार मैकडॉनल्ड गई थी कि उसने स्टेथोस्कोप को गलती से हेडसेट समझ लिया था और वहाँ के कर्मचारी जिस तरह ग्राहकों से बात करते थे उसकी नकल करने लगी थी। छोटी लड़की की तरह ही ज़्यादातर लोग बाल्टी ढोने को गलती से पाइपलाइन बनाना समझ लेते हैं। हम यह देखते हैं कि 99% लोग बाल्टियाँ ढोते हैं, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से यह मान लेते हैं कि हम जीवन में जो चाहते हैं उसे पाने का एकमात्र तरीका बाल्टी ढोना है। इसलिए ब्रूनो को पाइपलाइनों की शक्ति समझने में इतनी मुश्किल आई थी। पाब्लो पहला पाइपलाइन निर्माता था जिसे ब्रूनो जानता था। ब्रूनो ने पाइपलाइनों को इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वे अलग थी। ब्रूनो के लिए पाइपलाइनें प्रमाणित नहीं थी। ब्रूनो के लिए पाइपलाइनें क्रांतिकारी रूप से नई और जोखिम भरी थी। बहुसंख्यक लोग ब्रूनो की तरह सोचते हैं, बड़े होते समय हम बाल्टी ढोने वाले कड़के लोगों से घिरे रहते हैं, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि संसार में यही होता है। इससे मुझे एक बम्पर स्टिकर याद आ जाता है जिसे मैंने कुछ समय पहले देखा था, 1,00,000 चूहे गलत नहीं हो सकते। लोग बाल्टी ढोने वालों के बारे में भी यही सोचते हैं, 100 मिलियन बाल्टी ढोने वाले लोग गलत नहीं हो सकते। देखिए, वे हो सकते हैं। बाल्टी उठाने का निर्णय लेना। आइए सच का सामना करते हैं। इस संसार में जितने पाइपलाइन के निर्माता हैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा बाल्टी ढोने वाले हमाल हैं। क्यों? क्योंकि बाल्टी ढोना वह राह है जिस पर हमारे माता पिता चले थे और उन्होंने हमें भी उसी पर चलना सिखाया। बाल्टी ढोने वाला मॉडल आपको बताता है कि बाल्टी ढोने वाले संसार में आगे बढ़ने के लिए आपको यह करना होगा। स्कूल जाओ और सीखो कि बाल्टियाँ कैसे ढोना है। बहुत कड़ी मेहनत करो। ज़्यादा बड़ी बाल्टियाँ ढोने के अधिकारी बनो। बाल्टी कंपनी ए से इस्तीफा देकर बाल्टी कंपनी बी की नौकरी कर लो ताकि आपको ज़्यादा बड़ी बाल्टियाँ ढोने को मिले। ज़्यादा घंटे काम करो ताकि आप ज़्यादा बाल्टियाँ ढो सको। बच्चों को बाल्टियाँ ढोने का बेहतरीन प्रशिक्षण देने वाले कॉलेज में पढ़ने जाओ। धातु की बाल्टियाँ उठाने से करियर बदलो और प्लास्टिक की बाल्टियाँ उठाओ। फिर डिजिटल बाल्टियाँ उठाओ। उस दिन के सपने देखो जब आप बाल्टियाँ ढोने के काम से रिटायर हो सकते हो। तब तक उन बाल्टियों को ढोते रहो। ये सब बाल्टी ढोने वाले लोग अपने प्रयासों के बदले में कितना कमाते हैं? आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम।
परेड मैगजीन के लोग कितना कमाते हैं। वार्षिक सर्वे के अनुसार अमेरिका का औसत कर्मचारी साल में $28,500 कमाता है। लगभग 20% टैक्स घटा दें तो जीवन यापन के लिए $22,500 बचते हैं। आइए सच का सामना करते हैं, $22,500 इतनी रकम नहीं है कि चार लोगों के परिवार की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाए। इसका मतलब है बहुसंख्यक लोग ज़्यादा पैसों के लिए बुरी तरह छटपटा रहे हैं। बाल्टियों की झांकी। जब बाल्टियां ढोने वालों को ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो वे क्या करते हैं? क्योंकि उनकी बाल्टी ढोने वाली मानसिकता है, इसलिए वो बाल्टी ढोने वाला समाधान सोच लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो तो आपको ज़्यादा बाल्टियाँ ढोनी होंगी। बाल्टी ढोने वाले डैडी कहते हैं, मैं शाम को और वीकेंड में बाल्टियाँ ढोने वाली दूसरी नौकरी कर लूँगा। बाल्टी ढोने वाली मम्मी कहती है, बच्चों के पैदा होने से पहले मैं बाल्टियाँ ढोने की जो नौकरी करती थी उसे दोबारा कर सकती हूँ। बाल्टियाँ ढोने वाले मम्मी डैडी गुजारा करते हैं, बच्चे स्कूल के बाद और गर्मियों में बाल्टियाँ ढोने का काम कर सकते हैं और यही वे करते हैं। परिणाम, आज उत्तर अमेरिका के लोग संसार में सबसे लंबे घंटे काम करते हैं, काम के दीवाने जापानियों से भी ज़्यादा। क्या ज़्यादा बाल्टियाँ ढोकर ज़्यादा पैसे कमाने की योजना कामयाब हो रही है? एक शब्द में, नहीं। यह भावहीन कठोर तथ्य बताए जा रहे हैं। उपभोक्ता कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर है। अमेरिका में मकान पर कर्ज पिछले 17 सालों में 4 गुने से ज़्यादा हो गए हैं। आज औसत परिवार के पास डिस्पोजेबल या प्रयोग के लिए उपलब्ध आमदनी में जो $1 होता है उस पर 95 सेंट का कर्ज है। परिवार के भरण पोषण के लिए काम करने वाली महिलाओं का अनुपात पिछले 20 सालों में 2 गुने से ज़्यादा हो गया है। यह 1980 में 19% था, जो आज बढ़कर 46% हो चुका है। बिल चुकाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सबसे बड़ी अकेली संपत्ति यानी उनके घर पर दूसरी और तीसरी मार्गेज ले रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर दिवालिया होने वालों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। सन 2000 में यह आंकड़ा बढ़कर 14 लाख तक पहुंच गया है। हालांकि अर्थव्यवस्था में उछाल है। हेलो, इस चित्र में क्या गलत है? ज़्यादा बड़ी बाल्टियां ढोने की भ्रांति। बाल्टियां ढोने वाले तर्क देते हैं कि ज़्यादा बड़ी बाल्टियों का मतलब है ज़्यादा वेतन। इसलिए बाल्टियां ढोने वाले खुद से कहते हैं कि अगर उन्हें ज़्यादा बड़ी बाल्टियां ढोने की नौकरी मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाल्टियाँ उठाने वाले हमेशा सोचते रहते हैं कि बाल्टियाँ ढोने वाले दूसरे लोग कितना ज़्यादा कमाते हैं। US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स सैकड़ों अलग अलग पेशों के प्रति घंटे आमदनी के आंकड़े बताता है। दूसरी नौकरियों की तुलना में आपका प्रति घंटे का वेतन कैसा है? प्रति घंटा वेतन US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स से। पेशा, फास्ट फूड कुक $6.29, गैस स्टेशन अटेंडेंट $7.34 प्रति घंटा वेतन, चौकीदार $8.44, रिटेल सेल्स पर्सन $9.12, सेक्रेटरी $11.86, छत डालने वाला $13.63, कार मैकेनिक $13.97, ट्रक ड्राइवर $14.08, दमकल कर्मी $15.63, डाकिया $16.39, लोन ऑफिसर $20.05, कंप्यूटर प्रोग्रामर $25.67, केमिकल इंजीनियर $29.44, भौतिक शास्त्री $33.23, वकील $36.49, दंत चिकित्सक $44.40, डॉक्टर सर्जन $49.05। यह मानते हुए कि ज़्यादातर लोगों को हर सप्ताह 40 घंटे काम करने के लिए वेतन मिलता है, हालांकि शायद वे एक सप्ताह में कम से कम 50 घंटे या इससे ज़्यादा काम करते हैं और हर साल 2 सप्ताह की सवैतनिक वैकेशन मिलती है। यहाँ उपर्युक्त पेशों में से 5 की सालाना आमदनी बताई जा रही है। सालाना आमदनी कुक $13,083, रिटेल सेल्स पर्सन $18,970, डाकिया $34,091,
वकील $75,899, डॉक्टर $1,02,024। अब अगर आप कुक होते या रिटेल सेल्स पर्सन होते या डाकिया होते तो आप किसी वकील या डॉक्टर की सालाना आमदनी को देखकर यह सोच सकते थे, वाह अगर मैं हर साल इतने पैसे कमाता तो मैं वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र हो जाता, तब मुझे बिल चुकाने की चिंता में रात भर जागने की कोई जरूरत नहीं होती। सच है, डॉक्टर की बाल्टी कुक की बाल्टी से बहुत बड़ी है, लगभग 10 गुना बड़ी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि डॉक्टर वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र है। वह भी बाल्टी ढोने वाली नौकरी पर उतना ही निर्भर है जितना कि कुक या डाकिया। क्यों? सरल है, पेशेवर लोग औसत कर्मचारी से ज़्यादा कमाते हैं लेकिन वे ज़्यादा खर्च भी करते हैं। सच तो यह है कि हर साल 6 अंकों की आमदनी कमाने वाले डॉक्टर या वकील अपनी ज़्यादातर आमदनी अपनी ठाठदार जीवन शैली पर खर्च कर देते हैं। एक औसत कर्मचारी के खर्च की तुलना किसी पेशेवर के खर्च से करके देखते हैं। औसत कर्मचारी $5,000 की सेकेंड हैंड कार चलाता है, डॉक्टर या वकील $45,000 की लेक्सस चलाता है। औसत कर्मचारी अपने बच्चे को मुफ्त के सरकारी स्कूलों में भेजता है, डॉक्टर या वकील निजी स्कूल पर पैसे खर्च करते हैं। औसत कर्मचारी $75,000 के घर का स्वामी होता है, डॉक्टर या वकील $3,50,000 के घर का स्वामी होता है। औसत कर्मचारी सप्ताह में 1 बार पिज्जा हट में खाता है, डॉक्टर या वकील सप्ताह में 2 बार बड़े रेस्तरां में खाते हैं। औसत कर्मचारी वैकेशन का खर्च नहीं उठा सकता, डॉक्टर या वकील हर साल परिवार को पर्यटन स्थल की सैर कराने ले जाता है। औसत कर्मचारी किसी सार्वजनिक कोर्स में गोल्फ खेलता है, डॉक्टर या वकील 1 या 2 महंगे कंट्री क्लब का सदस्य होता है। आप स्थिति समझ गए होंगे, लोग डॉक्टरों वकीलों और अकाउंटेंटों से इसलिए ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे बड़ी बाल्टियाँ ढो रहे हैं। सच है, डॉक्टर की बाल्टी कुक की बाल्टी से 10 गुना ज़्यादा बड़ी हो सकती है लेकिन डॉक्टर 10 गुना ज़्यादा खर्च भी करता है, इसलिए अंत में उन दोनों का हाल एक जैसा होता है। एक वेतन से दूसरे वेतन तक जीना, बाल्टियाँ अंततः सूख जाती हैं। बेस्ट सेलर द मिलेनियर नेक्स्ट डोर के लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको ने बताया है कि बड़ी बाल्टियाँ ढोने का मतलब दौलत बनाना नहीं है। लेखक संपन्न इलाकों में रहने वाले लोगों का सर्वे करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे क्योंकि उनकी मान्यता थी कि जो लोग महंगी कार चलाते हैं और महंगे घरों में रहते हैं वे दौलतमंद थे। उफ, गलत अनुमान। स्टैनली और डैंको दौलत बनाने के बारे में इस आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुंचे। अमेरिका में दौलत के बारे में ज़्यादातर लोगों की धारणा है निहायत ही गलत हैं। दौलत का मतलब आमदनी नहीं। अगर आप हर साल अच्छी आमदनी कमाते हैं और उसे पूरी खर्च कर देते हैं तो आप ज़्यादा दौलतमंद नहीं बन रहे हैं, आप तो बस शान से जी रहे हैं। दौलत वह नहीं है जिसे आप खर्च करते हैं, दौलत तो वह है जिसे आप संचित करते हैं। आप दौलतमंद कैसे बनते हैं? ज़्यादातर लोगों ने इसे भी गलत समझ लिया है। यह किस्मत या विरासत या ऊंची उपाधि या बुद्धि नहीं है जिसकी बदौलत लोग दौलत इकट्ठी करने में सक्षम बनते हैं। इसके बजाय ज़्यादातर मामलों में दौलत कड़ी मेहनत, लगन, योजना और सबसे बढ़कर आत्म अनुशासन की जीवन शैली का परिणाम होती है। दूसरे शब्दों में, बाल्टियाँ चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो वे अंततः सूख जाएंगी। दूसरी तरफ पाइपलाइनें हमेशा कायम रहेंगी लेकिन पाइपलाइन बनाने की खातिर त्याग करना पड़ता है। पाइपलाइनें अपने आप नहीं बन जाती, उन्हें बनाने के लिए आपको समय निकालना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादा बड़ी बाल्टी से समस्या नहीं सुलझेगी। हर कोई अपनी बाल्टी के आकार को बढ़ाना पसंद करेगा। कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धि या ज़्यादा पैसे वाली बेहतरीन नौकरी को नहीं ठुकराएगा। अगर बाल्टी ढोना आपकी आमदनी का एकमात्र स्रोत है तो मैं कहता हूँ वह सबसे बड़ी बाल्टी ढोएं जो आप ढो सकते हो। यह सहज बोध है लेकिन इसके बावजूद सच्चाई यही है कि बाल्टियाँ ढोने से आप कभी वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र नहीं बन सकते। बाल्टियाँ ढोकर आप कभी अपने परिवार को सुरक्षित नहीं बना पाएंगे चाहे आपकी बाल्टियाँ कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि
जब आप बाल्टी ढोते हैं तो आपको खुद वहां रहकर काम करना पड़ता है, तभी आपको पैसे मिलते हैं। जिस दिन आप बाल्टियाँ ढोना बंद कर देते हैं उसी दिन पैसा आना भी बंद हो जाता है। कई बाल्टियाँ ढोने वाले मिलेनियर से दिवालिया बन गए हैं, क्योंकि जब वे बाल्टियाँ ढो रहे थे तब उन्होंने पाइपलाइन नहीं बनाई। जब उनकी बाल्टी सूख गई तो उनकी जीवन शैली भी सूख गई। मेरे पिताजी कहते थे, पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं, क्या आप देख पा रहे हैं?